बातें करी जाती है कि कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो गई है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला अभी सुरक्षित है, महिला पहले सुरक्षित नहीं थी। हाँ। जब वो कोई भी इंसान या कोई भी राजनेता ये कह दे कि वो देशद्रोह का कानून हटा देगा, मतलब वो खुद देशद्रोही है। हाँ। या फिर देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, राहुल भी कह रहे कि हम बन जाएंगे ममता वहां से कलकत्ता से ग्वाला, पूछा नहीं वरना मैं भी कहता अभी प्रधानमंत्री बन जाता। तो आप भी लग जाओ लाइन में। मैं भी लग जा रहा हूँ, किसी ने पूछा नहीं, मैं भी प्रधानमंत्री बन जा रहा हूँ। सबका नाम? My name is Nishu Gupta. गुप्ता जी, अच्छा गुप्ता जी, बनिया। तो बनिया लोग तो मैक्सिमम बीजेपी की साइड होते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कौन आ रहा प्रधानमंत्री, कौन है? Of course, मोदी बनेगा जहाँ तक है। राहुल नहीं, यंग है, हैंडसम भी है। उन्हें युवा नेता बोला जाता है। वो तो देखते हैं, काउंटिंग के बाद पता चलेगा, काउंसलिंग के बाद कौन जीतता है। अच्छा, आप मोदी को जिता रहे हैं? मैं तो अभी किसी को भी वोट नहीं दूंगी, क्योंकि उस दिन मैं वोट नहीं देंगी। नहीं, क्यों? मैं बैंगलोर जा रही हूँ ना, तो उस दिन मेरा ट्रेन है। अच्छा, तो घर वाले तो देंगे, घर वाले किसको दे रहे हैं? वो उनके उनकी चॉइस है। नहीं, गुप्ता जी तो सारे बीजेपी में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप दिल से किसे जिता रही है? मेरे ब्रदर बोल रहा था हम राहुल को जिताएंगे, अब देखते क्या होता है। ब्रदर राहुल को जिता रहा है? Yes. अच्छा, उसे वो 72,000 वाला मुद्दा भाग गया? I don't know, because मुझे न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं न्यूज नहीं देखती, मुझे नहीं पता कौन किस क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैम, 2019 का चुनाव आ रहा है, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी अवस्थी है। अवस्थी जी, 2019 का चुनाव आ चुका है, कुछ ही दिन बचे है वोटिंग में, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी। मोदी जी, ऐसा मोदी जी ने मतलब क्या पब्लिक पे जादू कर दिया जिससे हम पूछते हैं मोदी का ही नाम आता है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है जो किसी ने नहीं किया। सभी तो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता क्या है? कोई कुछ नहीं करता। गुंडा राज भी नहीं है, अभी आप देख रहे हो कि अच्छा, ये बात आती है तो चुनाव में उठाया जाता है कि मोदी जी के राज में जो महिला सेफ्टी है वो कम हुई है, महिलाओं को थोड़ा सेफ कम महसूस होता है, आप ऐसा सोचती हैं? जी नहीं, मैं तो ये सब गलत है या अफवाह होती है, भड़काने की कोशिश होती है, लेकिन महिला सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, और करना अपने से पड़ता है सबको, है नहीं? मैं मोदी तो खिलाने नहीं आएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और अपने ऊपर लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभानी पड़ती है। एक अच्छी गवर्नमेंट है, उसी को वोट करेंगे हम तो, सभी करेंगे। मतलब आप मोदी जी के साथ है, हाथ के साथ नहीं जा रही? नहीं नहीं, राहुल भी तो अच्छे है, यंग नेता है। यंग नेता है, अकल से कम है। अच्छा, अकल से कम है। यंग नेता से मतलब नहीं होता, हमें देश से मतलब होता, देश कैसा होना चाहिए, आगे आने वाली लोग कैसे होने चाहिए उनसे मतलब होता, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या किया है मोदी राहुल जी ने, फिर क्यों है गरीबी, क्यों रोडे अभी तक खराब थी? आप बताइए, बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब तो 6,000 रुपए अभी तक क्यों खराब थी, जहाँ की जगह अभी रोड हो रही है अच्छी अच्छी है ना, मतलब मोदी जी के टाइम में काम हो रहा है। मोदी जी के टाइम बहुत काम हो रहा है, हम लोग तो यूपी साइड के हैं। अच्छा, यूपी, यूपी में कहाँ से आप? यूपी बहराइच से हैं। अच्छा, बहराइच, वहाँ काम हुए हैं? बहुत काम हुआ है, जो कभी नहीं हुआ था वो तो अब हो रहे हैं उस टाइम। हो रहे का। फिर भी ऐसी बातें करी जाती है कि कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो गई है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला अभी सुरक्षित है, महिला पहले सुरक्षित नहीं थी। हाँ। लेकिन अब दरअसल बात ये है कि कुछ तो सुरक्षा अपने से भी लोगों नहीं बोलना चाहिए, पर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हर लड़की को अपने से भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। अच्छा, आप पूर्वांचल से, अभी प्रियंका गांधी जी ने रैलियां करी है वहाँ पे, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है? रैली तो सभी करते हैं। हाँ। फर्क क्या प्रियंका पड़ेगा? जी को आंधी बोला जा रहा है कांग्रेस की। आंधी क्या बोला जा रहा है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कह रहा नाक मिल रही, कोई कह रहा आंधी है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्योंकि अभी तो सब सोच रहे हैं ना, वो दिखेगा कि क्या फर्क पड़ा है। तो मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे, कंफर्म। कंफर्म हमारे वहाँ तो। अच्छा, क्या लगता है यूपी से कितने, आप यूपी से, यूपी से कितनी सीटें आ रही है? यूपी से अभी तो जितनी आएंगी वो खुद ही पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ। क्योंकि मेरे वहाँ तो ऑल जितने भी हैं सब भाजपा ही हैं। सब भाजपा ही है। अच्छा, आप भी भाजपा ही हैं? जी हम भी हैं, हस्बैंड है मेरे। हाँ, आप हस्बैंड वाइफ घूमने आए हुए हैं आप? तो क्या लग रहा है, आप लोग भी डेली घूमते हैं, आप मतलब रोजमर्रा पे जिंदगी में आप देखते होंगे, तो क्या लग रहा है किसका चांस हो?
बिल्कुल मोदी जी के साथ हम भी हैं। चांस क्या मतलब, ये तो कन्फर्म ही है मोदी जी आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं। आज सेना हमारी थोड़ा सा स्वच्छंद हुई है, वो फ्री हुई है, वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है ना। मोदी जी ने उनको राहुल जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अस्पा हटा देंगे, सेना के हाथ बांधने की तैयारी हो रही है और देशद्रोही कानून को हटा रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, तो कैसे सत्ता में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे राहुल जी, क्योंकि जब वो कोई भी इंसान या कोई भी नेता ये कह दे कि वो देशद्रोह का कानून हटा देगा, मतलब वो खुद देशद्रोही है या फिर देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है। अलगाववादी नेताओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, उनको राहुल जी को सिर्फ वही सपोर्ट कर सकते हैं जो खुद देशद्रोही हो, जो देशभक्त हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अगर देशद्रोह का कानून हटाने की बात की मतलब वो सीधे सीधे देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने देशद्रोही होंगे वो राहुल जी के साथ, और जो देश प्रेमी होंगे मोदी जी के साथ। 72 वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना झूठ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना, उनकी इतनी औकात नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो कर्ज की बात की थी, अब उसको कह रहे हैं, ऐसा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अब लोकसभा का भी इलेक्शन हो जाए तब उसके बारे में सोचेंगे। आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई है ये कह रहे हैं। तो सिर्फ फंसाने की बातें हैं और कुछ नहीं है, बस ये पानी के बुलबुले हैं बस और कुछ। तो मतलब मोदी ही आ रहे हैं 100% आ रहे हैं 100%। तो किन मुद्दों पर चुनाव होंगे इस बार? राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, पहली बात तो राष्ट्रवाद तो रहेगा ही रहेगा, और जैसा जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, क्योंकि जो भी जितने भी बेनिफिट हैं वो डायरेक्ट आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे जो भी 2000 की बात है, या एक और ये आयुष्मान योजना जो है, जो इसके लिए हेल्थ केयर के लिए है गरीबों के, उसके और 10% जो सवर्ण को आरक्षण दिया है ना, गरीब सवर्ण को, ये सारे मुद्दे हैं और यही सब जिताएंगे, ये 100% जिताएंगे। मोदी आ रहे हैं 100% आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है, अच्छा सीट लास्ट में सीट अगर हम लोग यूपी की बात करें तो 70 के आसपास रहनी चाहिए, और अगर पूरे की बात करें तो 280 क्रॉस करना चाहिए इनको। मतलब आ रहे कंफर्म? हाँ 100% ठीक है, धन्यवाद। इस समय हम नोएडा में आ चुके हैं और जानेंगे नोएडा के लोग क्या सोचते हैं 2019 के चुनाव के बारे में। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से वोट दिया जाएगा, या राहुल गांधी को जिताएंगे, या प्रधानमंत्री महागठबंधन का कोई होगा? जानेंगे लोग अपना राय में क्या रखें। मोदी हर हर मोदी। और सर आप किसको बनाना है? मोदी है। मोदी को ही? मोदी, मोदी जी ही जीत रहे। किन मुद्दों पर मोदी जी को आप जिता रहे हैं? क्योंकि सारे मुद्दे उनके बढ़िया है। हाँ। और राहुल गांधी तो 1% अच्छा नहीं है। क्यों यार, अच्छा आदमी तो है, उसे खुद नहीं पता होता मुझे बोलना क्या है। अच्छा इस पे बढ़ते भूल जाता है। हाँ। कभी कुछ हो जाता है, बात किसकी करती है? हाँ। इधर मुंह देख के बात करता है, माइक सामने होता है उसके। हाँ। उसे खुद नहीं पता चलना कहाँ पर है। तो मतलब आप कह रहे हैं मोदी आ रहे हैं, 72,000 वाला मुद्दा फ्लॉप है, 22 लाख फ्लॉप है। उसने अभी अंकल जी ने बताया कि नौकरियां दे रहा है, अरे इतनी साल से सरकार है उनकी, उसने नौकरी दी किसी को? हमारे यहाँ पे सब प्राइवेट वाले, नहीं तो सबकी सरकारी होती। मतलब गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे पा रहे राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं देगा, वो देता ही नहीं है। अच्छा ये कुछ युवा लोग भी बैठे हुए हैं, भाई नौकरी चाहिए राहुल गांधी की? पहले आपका नाम सबसे पहले। रोहित। रोहित जी, नौकरी चाहिए राहुल गांधी की? अरे मैं मोदी बनेगा और कौन बनेगा, मोदी जी है जिंदाबाद। मेरा नाम है यश शर्मा। यश शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी बताइए क्या कह रहे थे आप राहुल गांधी? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी से पहले पूछिए 72,000 रुपए लाएंगे कहाँ से, जीडीपी का 2% रुपए, 2% 72,000 रुपए कहाँ से जुटाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कैसे, और 6% कैसे एजुकेशन को जीडीपी जाएगा, 6+2 8 हो गया, और 2% हेल्थ केयर, 10% जीडीपी का, इतने सारे इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे कैसे खर्च करेंगे? 72,000 रुपए तो बांटने पड़ेंगे उन्हें। हाँ। कैसे बांटेंगे, और 22 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे? हाँ। कोई प्लान है उन पे या ऐसी मतलब हवा में? तो वही तो पूछ रहे, कुछ है क्या? कुछ प्लान तो लग नहीं रहा है, या तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे चीज करूंगा, एक चीज ऐसे करूंगा, फिर ऐसे होगी चीज। अच्छा आलू से सोना? हाँ आलू से सोना, वो तो उनकी स्ट्रेटजी है, इसमें कहना है। अच्छा क्या लग रहा है, ये जो महागठबंधन हुआ है ना, तो हम नोएडा में है तो मायावती भी कह रही कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, राहुल भी कह रहे कि हम बन जाएंगे, ममता वहां से कलकत्ता से गोवा लगा, पूछा नहीं वरना मैं भी कहता मैं प्रधानमंत्री बन जाता। अच्छा, तो आप भी लग जाओ लाइन में। मैं भी लग जा रहा हूँ, किसी ने पूछा नहीं, मैं भी प्रधानमंत्री बन जा रहा हूँ, सब बन जाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे भाई। अभी कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार के बारे में आप जानते हो? ठीक है, तो अब राहुल जी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें कहा गया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो देशद्रोही कानून को समाप्त कर देंगे,
तो ये समझ नहीं आ रहा ये मैनिफेस्टो में इसको जगह देने की क्या जरूरत थी और किसे फायदा देने की कोशिश हो रही है। देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें फायदा जो सरकार आती है वो फायदा अपने बंदों को जो उनके साथ खड़ा होता है उन्हें देती है। अब मान लिए जब राहुल गांधी आएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से देखेंगे देशद्रोह का कानून डायल्यूट करने की बात हो रही है, तो भाई जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होगा जब कांग्रेस की सरकार होगी तो देशद्रोही वही होगा, मतलब वो अपने हिसाब से डायल्यूट कर सकते हैं। इसमें कोई आप सुप्रीम कोर्ट या कोई इंडिविजुअल संगठित वो कहते हैं ना संस्था गठित नहीं हुई है।